स्मार्टफोन का बच्चों पर पड़ने वाले असर हम कई शोज कर चुके हैं, लेकिन अब यूनेस्को ने भी इसे एक बड़ा खतरा बताया है और स्कूलों में स्मार्टफोन को कंप्लीटली बैन करने की मांग की। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट आमने सामने यानी कि ऑफलाइन जो शिक्षा है उस पर जोर ज्यादा दिया है ताकि बच्चों की क्रिएटिविटी और सीखने समझने की क्षमता पर बुरा असर ना पड़े। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि स्मार्टफोन बच्चों की मेंटल हेल्थ पर किस कदर प्रभावित कर रहा है, जो छात्र चोरी छिपे इसका इस्तेमाल करते हैं उन पर कैसी सख्ती क्या वाकई में की जा सकती है। इसके दोनों पक्ष हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप स्मार्टफोन्स को पूरी तरह से बैन नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन का हिस्सा स्मार्टफोन के जरिए देना ही होगा क्योंकि ये वक्त की डिमांड भी है। तो दोनों पक्ष हैं इसमें, बच्चों की मेंटल हेल्थ और करियर दोनों के आस्पेक्ट्स पर करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। डायबिटीज, दिल की बीमारी, हाइपरटेंशन, ये कुछ ऐसी घातक बीमारियां हैं जिनका भगवान न करे किसी से पाला पड़े। लेकिन आज हम इन बीमारियों से बड़ी बीमारी यानी स्मार्टफोन की लत की बीमारी की बात करेंगे, जो ना चाहते हुए भी लोगों में खासकर बच्चों को तेजी से अपनी जद में लिए जा रही है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों में स्मार्टफोन का खतरा इस कदर बढ़ गया है कि अब तो यूएन एजेंसी यूनेस्को तक ने इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में सीधे तौर पर स्कूलों में स्मार्टफोन को बैन करने की मांग की है। यूनेस्को की रिपोर्ट को अगर भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ भले ही स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, लेकिन बड़ी क्लासेस में बच्चे चोरी छिपे इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। ये बात पेरेंट्स को भी पता होती है और स्कूल मैनेजमेंट को भी। यूनेस्को की माने तो स्मार्टफोन का बेजा और ज्यादा इस्तेमाल छात्रों की सीखने समझने की क्षमता को प्रभावित तो कर ही रहा है, साथ ही उनकी क्रिएटिविटी की धार को भी कुंद कर रहा है। हालांकि यूनेस्को ने स्मार्टफोन के इस्तेमाल को सिरे से खारिज नहीं किया है और कहा है कि अगर इसे एक टेक्नोलॉजी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो कोई गुरेज नहीं है। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई भले ही एक मजबूरी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके चलते शिक्षकों और छात्रों के बीच का मानवीय संपर्क कमजोर पड़ा। ऐसे में रिपोर्ट में आमने सामने की पढ़ाई यानी ऑफलाइन पढ़ाई पर जोर दिया गया है। जाहिर है कि इससे बच्चों में भटकाव की प्रवृत्ति कम होगी। दरअसल ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चे कई बार इंटरनेट की दूसरी दुनिया में गोते लगाने लगते हैं, जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई सरोकार नहीं होता। सोशल मीडिया और रील्स में घुसते ही पढ़ाई का लिंक टूट जाता है और लगातार स्क्रीन पर बने रहने से आंखों पर जोर पड़ता है सो अलग। वहीं बच्चे स्मार्टफोन की लत के चलते जिद्दी, आलसी और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी स्मार्टफोन बुरा असर डाल रहा है। नीदरलैंड में तो सख्ती से क्लासेस में स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉच पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्या भारत में स्कूल प्रबंधन और राज्य सरकारों की ओर से इसे लेकर सख्त गाइडलाइन लाने की जरूरत है ताकि चोरी छिपे मोबाइल लाने वाले बच्चों की इस आदत पर लगाम कसी जा सके, उनका फोन जब्त करने के अलावा उनके पेरेंट्स पर भी इसकी जवाबदेही तय की जाए। हालांकि स्कूल से बड़ी समस्या बच्चों के घर पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर है। इसे लेकर पेरेंट्स को सख्त रवैया अपनाना होगा और बच्चों को क्वालिटी टाइम देने के साथ उन्हें खाली समय में फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ये उपाय बच्चों को स्मार्टफोन से दूरी बनाने में मददगार साबित होगा, साथ ही उनका मन पढ़ाई में लगेगा सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।